आप हमें इतना बता सकते हैं जो ये बगल में सोनार की दुकान है वो बंद क्यों है? हमें तो केवल अपनी ये 5 किलो की सोने की अंगूठी उन्हें बेचनी थी। केटू पुत्र को अकल देने का और उन्हें सही रास्ते पर लाने का दूसरा अध्याय कल से प्रारंभ होगा। ओ, फर्श से टकराते ये सोने का हो गया। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? ये जो पारस पत्थर है यदि ये टूट गया तो हमारे सोने का उत्पादन बंद हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, पारस पत्थर? आई आई आई, इस तरफ हमारी तिजोरी है। आइए आइए। आप भी इनके यहाँ सेवक हैं क्या? जी हाँ, पूरे 25 किलो सोना प्रति महीना। सोना महीना, क्या कहना। परंतु आप थोड़ा संयम रखिए, महाराज आपका वेतन भी बढ़ा देंगे। नारायण नारायण। पहले क्यों नहीं बताया? टीटू जी, अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जो आपको पता चलेगा ना तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। चलिए आइए आइए। आप यही रुकी जी। चित्रगुप्त जी, यार ये रोशनी कहां से आ रही है? टीटू जी, बहुत जल्दी आप सब समझ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये तिजोरी महाराज की है जिसे सिर्फ महाराज और चित्रगुप्त ही खोल सकते हैं। सिर्फ सिर्फ। और यदि किसी और मनुष्य ने इसे खोलने का प्रयास किया तो उसे जबरदस्त विद्युत का झटका लग जाएगा। कौन सा दूध? विद्युत, बिजली बिजली। अच्छा अच्छा, बिजली, समझे आप? नारायण नारायण। अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। चलिए चलिए, संभल कर। मैं आपसे कहा था ना टीटू जी, देखते रहिए, आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। नारायण नारायण। प्रभु, टीटू पुत्र की आंखों में तो लालच ही लालच दिखाई दे रहा है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, यही लालच इन्हें सबक सिखाएगा। आप बस देखते जाइए। गुप्ता जी, एक छोटा सा प्रश्न जी। ये चोरी वोरी हो गया तो? पुत्र, चोरी कैसे हो? ये हमारी तिजोरी जमीन से 30 फुट नीचे है। तो सुरंग उरंग का कोई स्कोप जी? फिल्मों में ऐसे कुछ नहीं। जिस तरह सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है ना, मुझे यहाँ पे सब सोना सोना नजर आ रहा है। हाँ? नारायण भाई जी। यार कब तक इस महाराज के पास नौकरी करते रहोगे? महाराज के पास जो कुछ भी है ना, उस पारस पत्थर की वजह से। हमें उस पारस पत्थर को निकालना होगा। नारायण नारायण। टीटू जी, आपको क्या लगता है कि हमारे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया होगा कि वो पारस पत्थर हम चुरा लें? परंतु टीटू जी, वो तिजोरी का द्वार हम भेद नहीं सकते। अरे कोई तो रास्ता होगा उस पत्थर तक पहुंचने का। टीटू जी, हाँ? एक रास्ता है उस पत्थर तक पहुंचने का, यदि आप हमारा साथ दे तो। अरे 7, 8, 9, 10 सब ले लो, रास्ता बोलो। टीटू जी, ये जो जमीन देख रहे हैं आप, हाँ, ये महाराज के महल से बहुत ज्यादा करीब है। और यदि हम इसमें एक सुरंग कर लें और उसमें से होते हुए हम उस तिजोरी तक पहुंच सकते हैं। नारायण नारायण। अरे नारायण भाई, सोच क्या रहे हो?
फावड़ा लाओ, चलो खोदते मूर्ख। टीटू जी, हमारा कहने का अर्थ केवल इतना था कि यदि ये कार्य इतना आसान होता तो हम स्वयं नहीं कर लेते। इस जमीन को खोदने की सबसे बड़ी समस्या है उसका टेढ़ा मालिक, अजी एक नंबर का खड़ूस है। और टीटू जी, यदि उसको पता चलेगा ना कि हम इस जमीन में घुसे हैं तो वो हमें गोली से उड़ा देगा, गोली से। टीटू जी, किसी भी हालत में उसे मनाना होगा। नारायण नारायण। हाँ, मना लेंगे उसे। अरे अच्छे अच्छे को मनाया, जमीन खरीद लेंगे उसे। नाम क्या उसका? टीटू जी, उसका नाम है सरदार बिलेर मेहंदी। अरे बहुत बड़ा फैन है मेरा वो। नहीं नहीं टीटू जी, सरदार बल्ले सिंह। सरदार बल्ले सिंह। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं एक छोटा सा इंश्योरेंस एजेंट हूँ, कोई एक्टर नहीं हूँ जो मैं बल्ले सिंह बन जाऊंगा। और किसी ने पहचान लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी, समझ में आई? ऐसा कुछ नहीं होगा बबलू पापा, हम हैं ना आपके साथ। हाँ बबलू पापा, अगर आपको इस मुसीबत से निकलना है तो हमारा साथ देना ही होगा। क्या हो गया आपको? दामाद जी, आज हम बहुत ही खुश हैं। और आप भी तो हमारी बिंदिया से कह रहे थे ना कि अब हमें अमीरों की तरह रहना चाहिए, तो हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। हमने पहली बार सुना है। हमने भी। सासू माँ, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, कोई और गाना गा लीजिए प्लीज। अरे ठीक है दामाद जी, ये वाला गाना आपको पसंद नहीं है ना, हम दूसरा गाना गा देते हैं। कि पैसा 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 बंद कर दीजिए, पागल हो जाऊंगा मैं वैसे ही पैसे से बहुत परेशान हूँ। खबरदार इस घर में किसी ने पैसे के ऊपर कभी गाना गाया तो। संभालिए अपने आप को बबलू पापा, और हमारी बात मान जाइए। आप हमारा साथ देंगे तभी हम आपको आपके पैसे वापस दिला पाएंगे। ठीक है, वो किसी भी वक्त आता होगा चोर टीटू। देखो मुझे जरा संभाल लेना, हाँ अच्छे से पकड़ लेना, वरना मेरे हाथों आज उसका कत्ल हो जाएगा। अरे बलदेव जी, आप भी हम दोनों की तरह यमजी के दोस्त की मदद कर रहे हो ना, तो फिर इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो आप? वो श्रीदेवी, तुम्हें पता है मैं ऐसे ही हूँ। देखो किसी का दुख देख के मेरा खून खौल जाता है। अरे इधर देखो, उधर देखो, वो आ गया। नमस्ते 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 मित्रगणों, पाजी ये है टीटू जी, और टीटू जी ये है सरदार बल्ले सिंह, इस जमीन के मालिक। ये क्या कर रहे, मार क्यों रहे यार? गले लगा रहे, गले मिल रहे थे, गला घोट रहे। ओ जी, हमारे पटियाले में ऐसे ही दोस्तों को प्यार करते हैं। पटियाला संभाल लो, पटियाला। सर कंट्रोल, काफी प्यार हो गया। एक्सक्यूज मी, आपने हमें किसी जमीन के सिलसिले में फोन किया था? देखिए हमारे सर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्लीज बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपको व्हाट? आपको तो पता ही होगा ना, ये जमीन के सिलसिले में है, ये बंजर हो चुकी है जमीन, इसकी 3 लाख ले लो इसका। मुझसे 50 लाख लेकर मुझे 3 लाख देगा? पापा जी कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे ही करते क्या बार बार? अब आपका ऑफर इतना घटिया है तो ये क्या करते? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो, डिसाइड कराओ। ये जो जमीन है ना, ये हमारे सर के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये वो पहली जमीन थी जो उन्होंने इस शहर में खरीदी थी। ओके, मतलब ये जमीन को लेकर थोड़ा सेंटीमेंटल है। संवेदनशील। 5 लाख में डन कर लेते। पापा जी कंट्रोल। क्या सर, आप ये चीप अमाउंट बोल के हमारे सर को इतना गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? देखिए आप हमें सही सही रेट बताइए, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं।
क्या करूं? टीटू जी 15 लाख बोल दीजिए। हाँ, 15 लाख? आपको हमारे सर की मार खाना अच्छा लगता है क्या? अरे ये रेट ना इस जमीन का आधा रेट भी नहीं है। आपको मालूम नहीं कि दिल्ली का रेट क्या? भाई दिल्ली नहीं खरीदनी है, ये जमीन खरीदनी है। दिल्ली में जमीन का रेट क्या है? एक मिनट ना। मतलब इतने में डन करो, इतने में डन करो, 50 लाख इतना बहुत है ना? 50 लाख खोलो खोलो खोलो। ऑपोजिट कंट्रोल। मेरे 50 लाख रुपए। टीटू जी, हाँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? एक बेवकूफ दोस्त को टोपी पहनाया। दोस्त से लोन लिया था, दोस्त के नाम पर आप क्यों भड़क रहे भाई? एक मिनट गिन के देता हूँ। जी सर, हो गया। हो गया, हो गया। ये है पूरे मेहनत की कमाई के 50 लाख। हाँ जी, तो रिश्ता पक्का समझे? हाँ, पहले जरा लिखा पढ़ी हो जाए, इस पर जो है आपके सिग्नेचर लग जाए और अंगूठे। हाँ कर देते हैं, उसमें क्या है। पेपर है, पेपर है। यार इसने मेरे एग्रीमेंट से मुंह क्यों ढका हुआ है? सब मिट जाएगा। वो एक्चुअली हमारे सर को जुकाम हो गया है। यू नो दिस प्लेस, दिस डस्ट एंड ऑल। और जब भी हमारे सर को जुकाम होता है तो वो अपना मुंह छुपा लेते हैं, दिखाते नहीं। एग्जैक्टली। अरे भाई जुकाम से नहीं, हमको काम से काम रखना है। इसको आप साइन करो, इसको लाओ, ये लो। संभालिए अपने आप को। भागे, भागे। अरे साथ ले लो। भागो भागो, सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। अति अफसोस की बात है चमन पुत्र, धन के इतने निकट आने के बाद भी धन हाथ नहीं लगा। इधर देखो, उधर देखो, इनकी वजह से सारा पोपट हो गया, वरना वो टीटू ना हमारे झांसे में आ ही गया था। बलदेव जी की इतनी ओवर एक्टिंग के बाद भी उसने हम पे भरोसा कर लिया था। इतना गधा निकला वो टीटू, तो वो दोस्त तो और भी सवा गधा होगा जिसने टीटू से धोखा खाया। सवा गधा, अद्भुत प्रभु। क्यों बबलू पापा, क्या गधा गधा सवा गधा बोलते चले जा रहे हो? उस बेचारे को इस सब में लाने की क्या जरूरत है? आय का बेचारा, एक नंबर का लालची इंसान है वो, वरना टीटू जैसे चोर को 50 लाख क्यों देता वो? हंस भी करो आप, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, वो क्या पता अपने परिवार की भलाई कर रहा हो, छोटे छोटे बच्चे हों उसके। तो ऐसा कौन सा भला कर दिया उसने? पैसे लुटाए उसने, परेशान यम जी हो रहे हैं, तो हुआ ना वो सवा गधा। बस करो भाई, क्या सवा गधा लगा रखी है? मैं किसी अनजान आदमी के बारे में इस तरह की बातें सुनूं, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। ठीक कह रहे हैं बबलू पापा। चमन पुत्र, सुश्री देवी जी,
एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना जिसे हम जानते भी नहीं है अनुचित है। I'm sorry, यम जी। अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? आपको लगता है कि वो फिर से मिलने आएगा? वो नहीं आएंगे। तो क्या कहा टीटू पुत्र ने इनके जाने के बाद? इन लोगों के जाने के बाद टीटू जी काफी क्रोध में थे और तो और उन्होंने श्रीमान बल्ले सिंह जी को 4 अभद्र गालियां दी और जमीन खरीदने का ख्याल छोड़ने की बात करते हुए लेनदारों को पैसा वापस लौटाने की बात कर रहे थे। नारायण नारायण। कुछ नहीं बचेगा, मेरा घर बिक जाएगा। आपका घर? मेरा मतलब है उस बेचारे का घर बिक जाएगा, वो कहीं घर नहीं रहेगा, क्या होगा उसका? सड़क पे आ जाएगा वो। अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया ना तो आपका दोस्त तो पक्का सड़क पे आने वाला है। नहीं चमन पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढेंगे। ये रहे आपके पूरे 50 लाख। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, पहले से काफी आराम है। बकवास बंद कर, जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी पैसा लौटा रहा है, वो भी बिना मार खाए। अब डील कैंसिल होगी तो पैसा लौटाऊंगा ना। नारायण नारायण। प्रभु यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया, टीटू तो सारे पैसे लेनदार को लौटा रहा है, अब हम क्या करेंगे? नारद जी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, धैर्य रखें और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? निराले प्रभु की निराली युक्ति पे मुस्कुरा रहे हम। नारायण नारायण। प्रभु मुक्का देवा। हाँ? नहीं नहीं टीटू जी, देवा नहीं, देव 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 देव। अच्छा टीटू जी, यहाँ आइए ना, हम आपसे ये कह रहे थे क्यों ना जमीन के बदले सरदार बल्ले सिंह को रुपयों का ज्यादा प्रलोभन दिया जाए। लोभन क्यों उनको? लोभा नहीं, प्रलोभन प्रलोभन। लोभन मतलब रुपयों का लालच। वैसे भी उसके बदले हमें बहुत सारा सोना मिलने वाला है। नारायण नारायण। उनके सामने सोना सोना क्या बोल रहा है? जानबूझकर। टीटू जी जानबूझकर थोड़ी कहा हमने, वो तो गलती से हमारे मुंह से निकल गया, हमें लगा इन्हें पता होगा कि हम बहुत सारा सोना चुराने वाले हैं। नारायण नारायण। सोना सोना सोना। कौन सा सोना चुराने की बात कर रहे हो तुम? सोना सोना, इन्हें सोने का मन कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो किसी और सोने की बात कर रहा है। ठीक से बताओ टीटू जी, आप हमारी तरफ ऐसे क्रोध से क्यों देख रहे हैं? हमने कहा ना कि हमसे भूल हो गई, अब अगर मुख से निकल ही गया है तो इन्हें बता ही दीजिए ना। हाँ बताओ। वो दरअसल बात ये है कि चित्रगुप्त जी, ये जो पारस पत्थर है यदि ये टूट गया तो हमारे सोने का उत्पादन बंद हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, पारस पत्थर सच में होता है क्या? सच में? अरे ये तो किस्से कहानियों में सुना था। तो बस यूं समझ लीजिए कि किस्से और कहानियां सच हो रही है। नारायण नारायण। ये सच है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिंदगी में पहली बार इतना सारा सोना। तो ये मौका क्यों गंवा रहा है गधे? दुगने पैसे देकर ये जमीन खरीद ले। तुझे पैसे मैं देता हूं लेकिन एक शर्त पे, जो भी सोना आएगा उसका आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, आधा आधा ले लेते हैं। ओके प्रभु, आपकी युक्ति काम आ गई, लालच के माया जाल में एक और मनुष्य फंस गया। नारायण नारायण। अच्छा है नारद जी, जितने लोगों को सबक मिले उतना अच्छा है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.